क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट सी, आपको स्क्वायर रूट में 4x² - 5 के इक्वल टू 2x + 3 गिवन है, और आपने उसमें से x को सब्जेक्ट बनाना है ना। ठीक है, अच्छा अब x को अगर हमें सब्जेक्ट बनाना है तो x वाली टर्म्स जो है ना वो होनी चाहिए एक साइड पर और दूसरी साइड पे बाकी सब कुछ होना चाहिए। कह रहा स्क्वायर कर लेते हैं तो वो इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर 2x + 3 पर स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेते हैं तो 2 टाइम्स 2x + 3 + 3 का स्क्वायर 4x² - 5k, 4x² - 5k एज इट इज, 4x² + 4 3 = 12x + 9। अब हम x वाली टर्म्स को ना टर्म को लेफ्ट पर ले आते हैं और बाकी सब कुछ राइट पे रखते हैं। -5k - 9, 4x² + 12x - 4x², ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो x इज इक्वल टू 1/12 टाइम्स -5k - 9। इस तरह से आपने इस गिवन एक्सप्रेशन में से एक्स को सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद पार्ट ई है और उसमें से हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है। तो अच्छा अब देखें, ए को हमें सब्जेक्ट बनाना है ना, तो पहले इसके ऊपर से क्यूब रूट हटना चाहिए। क्यूब रूट उस वक्त हटेगा जब हम दोनों साइड्स को क्या कर लेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से ये फॉर्म आ गया क्योंकि क्यूब क्यूब रूट को कैंसिल कर देता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा काम हम ये करते हैं कि b - a को हम मूव कर देते हैं इक्वल की दूसरी साइड पर, तो वो वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन जाएगा b x³ - ax³ = a। अब a वाली टर्म्स को हम एक जगह कर लेते हैं तो इसको मैं दूसरी साइड पर मूव कर देता हूँ। वहां से हम कॉमन निकाल लेते हैं a को, तो 1 + x³। हमने 1 + x³ को दूसरी साइड पे मूव करके डिवाइड किया तो a इज इक्वल टू bx³/1 + x³ ये आ गया। क्वेश्चन 11 में है, द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज गिवन बाय x² / a² - y² / b² इज इक्वल टू 1। xy जो है वो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट है, ए भी कांस्टेंट है। आपने वाई को सब्जेक्ट बनाना है, पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, पहला टास्क ये है कि आपने वाई को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाना। अच्छा, हम वाई स्क्वायर वाली टर्म को ना दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर को हम यहाँ मूव कर देते हैं तो वो यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि दोनों साइड्स पे अप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट को, तो y विल बी इक्वल टू +/-b और विद इन स्क्वायर रूट x² / a² - 1। ये हमने y को अपनी गिवन इक्वेशन का सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -5 a³ and b² अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो +-2 (25 - 9/9), सो +2 (√16/9), +2 (4/3), y इज इक्वल टू +2 (8/3). ये आपके y की वैल्यूज आ गए। राइट डाउन द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस, और सीक्वेंस है आपके पास ठीक है, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू हो रही है, अगली दो टर्म्स हमें बताने। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर अगर हम देखें ना, तो सबसे बड़ा नंबर 12 है और 6 और 3 भी 12 में कन्वर्टेबल है। तो हम ये करते हैं कि सारे डिनोमिनेटर्स को ना सेम बना लेते हैं।
तो अगर हम 1/6 में 6 को 12 बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 आएगा। अगर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से करेंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखें सीक्वेंस को, डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर में आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है? तो अगली दो टर्म्स क्या होंगी? राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द एनथ टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपको गिवन है 0, -1, -8, -27 और -64। 1, 8, 27, 64, इनमें कोई लिंक नजर आ रहा है? देखें, -1 को क्यूब करेंगे -1, -2 को क्यूब करेंगे -8, -3 का क्यूब, -4 का क्यूब एंड सो ऑन। तो ये जो है ना सिंपल नंबर्स क्यूब हो रहे हैं। अच्छा, अब देखें, ये फर्स्ट टर्म है लेकिन नंबर 0 है, सेकंड टर्म है लेकिन नंबर 1 है, तो इसका मतलब है कि जो रैंक ऑफ द टर्म है ना उससे नंबर एक कम है। रैंक ऑफ द टर्म क्या होता है? वो n होता है, उसमें से एक कम अगर आपको करना है तो आप -1 करेंगे, भी आंसर आएगा वो उसको आपने नेगेटिव करना है, और नेगेटिव करने के बाद आपने उस पर क्या अप्लाई करना है? क्यूब। तो इस तरह से आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, और ये इसकी nth टर्म का एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इन अ क्लास विद एक्स प्लस 1 बॉयज एंड वाई प्लस 2 गर्ल्स द एवरेज एज इज क्यू इयर्स ओल्ड। अच्छा, अब आपके पास एक क्लास में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज हैं आपके पास एक्स प्लस 1 बॉयज और गर्ल्स हैं आपके पास y प्लस 2। अच्छा, इनकी जो एवरेज है, एवरेज एज, वो आपके पास है q इयर्स ओल्ड। ठीक है, इफ द एवरेज एज ऑफ द बॉयज इज p इयर्स ओल्ड, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स। अच्छा, ये ओवरऑल एवरेज है। अब इन्होंने कहा है कि जो एवरेज एज ऑफ बॉयज है वो पी है। अगर हम सिर्फ बॉयज के एज का एवरेज करें तो वो पी आएगा। तो अब हमें ये बताना है कि सिर्फ अगर हम गर्ल्स की एज का एवरेज करें तो वो कितना आएगा। एवरेज जो होता है उसमें क्या किया जाता है? तो ऊपर आता है सम, सही है, या ऑल, यानी सबको ऐड कर दें, और फिर उसके बाद आपको नंबर ऑफ डेटा आइटम से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं ये देखूंगा कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और उसमें मैं नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड कर दूंगा और इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा इनका जो ओवरऑल एवरेज है यानी क्यू। तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस 3 टाइम्स क्यू, ये सम ऑफ द एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आ जाएगा। हम ये कर लेते हैं कि हम इस पी वाली इंफॉर्मेशन को भी यूज करते हैं। वो किस तरह करेंगे? अगर हम सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज निकालना चाहें तो हम नंबर ऑफ बॉयज को मल्टीप्लाई कर देंगे उनके टोटल के साथ। ठीक है, और अगर हम गर्ल्स के लिए निकालना चाहें सम, तो हम इनकी तादाद को, मिसाल के तौर पर इनका एवरेज हम ए सपोज कर लेते हैं, तो ए के साथ जो है ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये बताएं कि ये जो इंडिविजुअल सम्स हैं इनको ओवरऑल सम के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो देखें, सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स,
यानी x प्लस वाई प्लस थ्री टाइम्स q शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ बॉयज विच इज x प्लस वन इंटू p प्लस सम ऑफ एजेस ऑफ गर्ल्स विच इज x प्लस टू टाइम्स a. और a क्या है, ये वो एवरेज है गर्ल्स की एज का जो हमने सपोज किया. हमें इनको सिंप्लीफाई करना है इस तरह के हम a को सब्जेक्ट बना लें. तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि y प्लस टू टाइम्स a इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस वाई प्लस थ्री टाइम्स q माइनस एक्स प्लस वन टाइम्स p. और a के लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दिस होल x प्लस वाई प्लस थ्री टाइम्स q माइनस एक्स प्लस वन टाइम्स p डिवाइडेड बाय y प्लस. तो ये जो आपने a का एक्सप्रेशन निकाला है, ये एवरेज एज ऑफ द गर्ल्स हैं जो कि हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x y एंड p.